अच्छा दिग्विजय, ये बताइए कि जीत का रहस्य क्या है, आपका राज क्या है, कैसे जीते? जीत का रहस्य लोगों से बात विचार मेल जोल और अपनी स्पष्ट बातें रखने से जीत का रहस्य। अच्छा ये बताइए, आप भ्रष्टाचार हर जगह है जी, और अपने गांव में भ्रष्टाचार को कैसे दूर कर पाएंगे आप? अपने गांव में भ्रष्टाचार को दूर करने का यही रास्ता है कि जहां भ्रष्टाचार होने की गुंजाइश है वहां पे बातें हम उठाएंगे और उच्च अधिकारियों के यहाँ। देखा जा रहा है कि आपके प्राथमिक विद्यालय हुआ, पंचायत भवन हुआ, जो भी एक गांव की नालियां हुई, खड़ंजा हुआ, बहुत सारी चीज़ें भ्रष्टाचार के प्रमाण चढ़ गई हैं जी। भ्रष्टाचार के प्रमाण हमारे मुख्य स्कूल है और कोटा है जहाँ पे मेन भ्रष्टाचार होता है, जहाँ गैस की व्यवस्था आज तक नहीं है और हमारे स्कूल के भवन जर्जर हैं, जिन ठेकेदारों ने निर्माण कराया है प्लास्टर तक नहीं हुए हैं और छत जर्जर है, तो दुर्घटना होने की है। हम अधिकारियों से अपनी राय रखेंगे और उन्हें आवेदन देंगे कि ये चीज़ें यहाँ यहाँ गलत हैं। अच्छा ये रास्ते की प्रॉब्लम आपके यहाँ है जी, तो ये प्रॉब्लम कैसे दूर करेंगे आप? जी ये रास्ते का प्रॉब्लम लोगों से मिलजुल से ही दूर होगा, चूँकि चकबंदी हुई नहीं है तो जिन जिन लोगों को खेत हैं उनसे बातचीत करके वहाँ पर रास्ते फेंकवाने की बातचीत की जा रही है। अच्छा विकास के संबंध में गांव में शौचालय, सामुदायिक शौचालय और गरीबों को आवास और पेंशन ये सब होते हैं जी, तो क्या आपके गांव में पूरे लोग संतृप्त हैं ये सब चीज़ों से कि अभी ऐसे ही अधूरे हैं? चूँकि लोहिया गांव हुआ था तो हमारे यहाँ आवास तो लगभग हो चुके हैं, लेकिन कुछ उसमें 10-20% गरीबों को आवास नहीं मिला है, तो वहाँ हम लोग निरीक्षण करके और उनको आवास देने की बातचीत करते हैं और आगे जब आएंगी योजनाएं तो उन्हें लाभ पहुंचाने का कोशिश करेंगे। लोग 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों का कागज़ निर्माण करा के उनका जो है पेंशन के लिए हम आवेदन देंगे। प्रधान जी ये बताइए कि गांव वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? गांव वालों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ पे निर्माण हो रहे हैं उनकी जागरूकता से देखभाल करें और नुकसान पहुंचाने वाले को रोकें तथा अपने आप को मतलब अधिकारियों से बात करने के सक्षम रखें। इस समय प्राथमिक विद्यालय लोनेपुर क्षेत्र देवखरी जनपद गाजीपुर में हम लोग खड़े हैं, यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान दिग्विजय जी हैं। दिग्विजय जी ये बताइए कि आप नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं जी, और आपके बगल पीछे तो ये बिल्डिंग साफ सुथरी दिखाई दे रही है, इधर भी बिल्डिंग है, रैंप भी बना हुआ है जी, ठीक है, और ठीक इधर ईस्ट तरफ जो है जी, ये क्या मकसद दिशा है कि कैसे ये अधूरा रह गया? ये लगभग 5 से 7 सालों पूर्व भवन बना हुआ है और ठेकेदार की धांधली का ये परिणाम है सर। आज तक न प्लास्टर हुआ, न दरवाजे बने, अंदर भवन फट चुका है जी और इसी तरह से पड़ा हुआ है। तो बच्चे क्या इसी में पढ़ते हैं? बच्चे इसमें बैठते भी हैं, पढ़ते भी हैं और इन्हीं भवन में पढ़ते हैं। ये दो भवन रिजेक्ट हैं तो इसमें तो जाते नहीं हैं। अच्छा ये रिजेक्ट इसमें नहीं जाते, दो भवन रिजेक्ट हैं। बाकी ये है भवन देखिए प्रधान जी का कहना है रिजेक्ट भवन को आगे से खूब चूना कली करके चमाचम कर दिया गया है। आइए हम थोड़ा इसके अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं आप। देखिए एकदम जर्जर है, फट गया है, खिड़कियां नहीं है, दरवाज़ा तो आप देख ही सकते हैं, देख लीजिए खिड़कियां टूटी हुई हैं। हाँ कैमरा झूठ नहीं बोल सकता, ग्राम प्रधान झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब दूसरे कमरे को हम दिखा रहे हैं, हाँ ये तो है, हाँ लेकिन इसमें देखिए प्रधान जी दिखा रहे हैं, ऊपर देखिए ये जो है एकदम जर्जर फटा हुआ है और बच्चे इसमें पढ़ेंगे, अब कुछ हो जाएगा उसका जिम्मेदार कौन है? दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती है, फटा हुआ है एकदम। ये लोनेपुर गांव का प्राथमिक विद्यालय है, ये लोनेपुर विद्यालय में खड़े हैं करण जी, क्या नाम बताए अपना? करण जी। तो विद्यालय फटा हुआ है ना? यस सर। इसमें आप ही पढ़ाई किए हैं? यस सर पढ़े हैं। ठीक, अब देखिए ये खिड़कियाँ यहाँ पर टूटी हुई है,
ये छत पे छत पर जो है सीलन आई हुई है। ये है नजारा यहाँ का। ये एक महीना पहले प्रधान जी बता रहे हैं कि ये जो है चुनाव से 10 दिन पहले बना। हाँ, कौन सा चुनाव? ग्राम प्रधान इलेक्शन का चुनाव से पहले आई थी योजना जो, इसमें टंकी लगा और ये बना। हाँ, ये कहना है इसने एक बड़ी भी सीमेंट नहीं डाली। देखिए बन के तैयार हो गया, टपाई टंकी है, समरसेबल तो लगा हुआ है। पानी वाली कुछ न चढ़ा। अपना नाम बताइए। राम आशीष यादव। तो यादव जी किस गांव के हैं? यही दरिया के हैं। दरिया का नहीं, गांव का नाम बताइए। लोनेपुर। लोनेपुर। ये समरसेबल लगा हुआ है, इसमें चलता है? ये कुछ दिन चला, 10-15 दिन के बाद ना चला, फिर बंद हो गया। चढ़वा ना करे यादव जी। हर एक चीज का व्यवस्था हुआ, लाइन में सब चीज का व्यवस्था। किचन में? हाँ, ये किचन है। किचन में जो है खाना जो है आग दाई बंद है। अंदर से देखिए ये मुक्का खुला हुआ है, कोई सामान रहेगा तो चोरी हो जाएगा इसमें से। लोनेपुर विद्यालय है।